कोई बंदा मिला ना हमको भाई, उससे पूछेंगे भाई 100 रुपये दे दो, हमको घर से निकाल दिया है और मेरा बर्थडे भी था आज, मैंने पार्टी कर दी है अपने दोस्तों को, ऐसे पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ मैं, पूछते हैं किसी को अगर मिला कोई। मेरा आज जन्मदिन भाई। अच्छा जी, तो मेरे को घर वालों ने निकाल दिया, 100 रुपये चाहिए था पार्टी करने। ऐसे हमें एक और भैया मिले हैं, भैया इधर आना आगे थोड़ा सा। यार मेरा जन्मदिन है आज, मेरे घर वालों ने निकाल दिया, मेरे को 100 रुपये चाहिए थे, दे दोगे? क्या नाम है? पकड़ पकड़ आइए, पकड़ पकड़ पकड़। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। भाई सुबह सुबह एक बंदा दिखा देता हूँ आपको, बाहर खड़ा है बाइक लेके, क्योंकि अभी जा रहे हैं 2-3 काम के लिए। 2-3 काम क्या, आपको देख ही जाएगा। चलो निकलते हैं भाई। चलो भाई, एक तो बिल भरवाना है ना, हमें वही बिल भरवाने जा रहा हूँ, हमारा काफ़ी ज़्यादा हुआ तो कहा कितना है, 30,000 9,000 भाई, इलेक्ट्रिसिटी का 9,000 बिल आया हुआ। तो गाइस भाई, अभी जा रहे हैं हम सबसे पहले, नहीं सबसे पहले जा रहे हैं इसके काम भाई, तो ये मेरे साथ सुबह सुबह आके तंग कर दिया इसने, उसके बाद जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल बनवाने भाई मेरे। और कल सुबह भाई मैंने इसको कॉल की थी, जैसे रात मैंने बोल के सोया था इसको, कि मैंने आपको बताया था कि सुबह 4:30 जाएंगे भाई, 5 बजे रनिंग करने, इस कुत्ते बंदे ने कॉल नहीं उठाई भाई, इसको 7 कॉल किए 4:30, और बहाना लगा रहा है कि ना मेरी रिश्तेदारी में था कहीं पर भाई। तो चलो कोई नहीं, कल भी देख लेते हैं, कल तो घर पे ही रहेगा, कल बहाना देखते हैं क्या लगाएगा नया। और ये अपना स्कूल आ चुका है कल वाला, कल भी इसके सामने से गए थे बट आज खुला है, कल भी खुला ही था मे भी। सो गाइस, मौसम तो बड़ा अच्छा है, मेरे गले में भाई पिक्स खानी पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा गले में जलन हो रही है कल से, कल जब कोक भी ना उसके बाद ही भाई इतनी गंदी कोक थी, कोई मत पीना, जीरो शुगर, क्या बोलते, जीरो शुगर के जीरो फैट, 0% फैट, जीरो कैलोरीज होती हैं भाई इसमें भी कोक, वो मत पीना, नॉर्मल पीनी है तो वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और ये देखो, ये है भाई मिलिट्री एरिया भाई सारा, हमें 22 साल हो गए यहाँ रहते हुए, कभी इसके अंदर नहीं गए भाई, लाइक कोई भी नहीं गया, तो कैंटीन में गया है अंदर भाई, कुछ भी नहीं दिखाते, कैंटीन है यहाँ पे एक आर्मी वालों की है ना, वो जस्ट कैंटीन तक जा सकते हैं, आगे नहीं कहीं भी जा सकते भाई, ये काफ़ी बड़ा है हमें पता ही नहीं, किसी को नहीं पता भाई यहाँ रहते हैं जो। ये वाला एरिया देखो भाई, देख रहे हो ये हमारे पीछे है जो, ये वाला एरिया किसी को भी नहीं पता होगा भाई अंदर से कैसा है, क्या सीन है। इस बाजार में, मेन बाजार में एंटर हो चुके हैं, ये देखो भाई सामने, अभी तो सही है वरना यहाँ पे बहुत भीड़ होती है भाई, बंदा पैदल नहीं जा सकता अभी तो, हम फिर भी बाइक, ये लेने आया था भाई पगड़ी, सो पगड़ी ले लिया अभी इसने, और अभी हम सबसे पहले लेते हैं शीरो के लिए शैम्पू, एंड ATM में भी जा रहा है, एंड जूस भी पीना है, बस ये 2-3 काम है और कुछ भी नहीं है भाई। तो ये गलियाँ देखो भाई, जो कस्बे होते हैं ना छोटे छोटे, जहाँ पर काफ़ी दुकानें होती हैं, उनकी गलियाँ ऐसी होती है, गाड़ियाँ खड़ी भाई बीच में, पहले ही रास्ते कंजस्टेड होते हैं और बीच में फिर गाड़ियाँ आ जाती है भाई, देखो बाइक कोई भी दिखा दो जगह जहाँ पे ना हो, और ऐसे बाबा जी दादे भी बैठे होते हैं भाई, बुजुर्ग लोग भी बीच में बैठे होते हैं। तो गाइस शीरो का भाई शैम्पू लेने आ चुके थे, बट अभी शॉप बंद है, वो बंदा 2 मिनट में आ रहा है, ये वाली शॉप है सामने बंद है अभी, इसके बाद ATM पे जाना है, फिर देखो जूस भी पिलाना है भाई, जूस पीना है तो नहीं हाँ पिएगा बोल, हाँ या ना, नीचे मुँह कर लेता भाई, शर्माती है लड़की है ये लड़की। सो भाई फाइनली शुगर है भैया आ चुके हैं, अभी देखना शटर ऊपर होगा, हो गया ये तो ले लिए अपनी भाई, और 2 घुंगरू भी ले लिए, घुंगरू आगे चल भाई, यहाँ नहीं है आगे चले यार आगे, ये गंदे वाला ATM है भाई, इसमें पैसे ज़्यादा कटते हैं, ये भाई ऊपर ही चढ़ा देगा भाजा तेरी, बस वाला देखो। चलो गाइस, अपना फेवरेट वाला ATM आ चुका है, वैसे वहाँ भी यही था, नहीं वहाँ पे एक्सिस का था ये कॉपरेट, और ये ATM पता नहीं मैं बोल तो नहीं आया कहीं, ये रहा, लेट्स गो। हेलो, हे चोरी करने आया है भाई ये, इसको पकड़ो इसको, पहले चोरी कर रहा है भाई ये, चोरी कर रहा है ये। भैया 2 कप चाय के बना दो, 2 चाय बना दो, चाय भी बना दूंगा भाई, क्या मैं जूस भी पी लिया, और बंदा पीछे जहाँ पे भाई ATM से पैसे निकलवा रहे थे ना, वो सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा, कुछ मैंने पूछा उसको बाहर जाके क्या बोला, कहता कुछ नहीं मजाक कर रहा था भाई, बाद में कर गया,
अभी कोई बंदा मिला ना हमको भाई उससे पूछेंगे भाई 100 रुपये दे दो, हमको घर से निकाल दिया है और मेरा बर्थडे भी था आज, मैंने पार्टी कर दी अपने दोस्तों को, ऐसे पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ मैं, पूछते हैं किसी को अगर मिला कोई रिश्ते। यार मेरा ना आज, बात सुनो मेरा आज जन्मदिन भाई। अच्छा जी। तो मेरे को घर वालों ने निकाल दिया, 100 रुपये चाहिए था पार्टी करने में। हम लोग जो यार मजदूर आदमी, खर्ची पानी भी नहीं मिला, चाय भी उधार पीता हूँ भाई। दे दो भैया, तुम दे दो दे दो यार, और फोन बेच दूंगा, फोन बेच दूंगा। गाइस पहले बंदे ने मिशन फेल कर दिया, कहता हम तो भाई खुद मजदूरी करते हैं, कहता संडे को आना, संडे को दूंगा। संडे को क्या ऐसा भाई, मेरे को तो खुद नहीं समझ आई, संडे को भी बुला रहा था वो। सो अभी आगे पूछते हैं, एक बंदे से तो मना हो गया भाई, हमको मिले नहीं। कहां से बिकी टैडी लेना भाई तेरी घरवाली के लिए? ओए लेना है बता, वो कुत्ते देखो भाई, हस्की बिल्कुल रियल लग रहे थे। हेलो गाइस, यहां पे आग लगी हुई थी तीन चार दिन पहले भाई, यहां से भरवा दिया बिल अपना 9200। 9200 बिल आया था भाई घर वाले, पता नहीं इतने आलसी है भरवाते नहीं भाई, लेट फीस डली हुई थी। 9200 था, अभी क्लियर करिया किया है सारा। सो अभी निकलते हैं घर को, अभी एक आधा बंदा और मिला तो 100 रुपये पूछेंगे अगर किसी ने दिया भाई। बच्चों कैसे हो, कैसे हो आप दोनों, आपका क्या नाम है? पकड़ वो पहले ही डर गया भाई, मैंने तो ऐसे ही रोका था। आ जाओ, एक चीज दूंगा, आ जाओ चीजी, तो वो चीजी आ जाओ, आओगे चाहिए? अब नहीं आएंगे भाई, उनका पेट तो था, ऐसे चीखे मार रहे थे। ऐसे हमें एक और भैया मिले हैं, भैया इधर आना आगे थोड़ा सा। यार मेरा जन्मदिन है आज और घर वालों ने निकाल दिया, मेरे को 100 रुपये चाहिए थे, दे दोगे? पार्टी करनी है दोस्तों को, पार्टी करनी है दे दो भाई, तो किलो सेब ही दे दो, सेब खिला दूंगा। मेरे को सेब ही दे दो किलो। दिल नहीं है भाई तेरे में, देख लो भाई, सारे बंदे बहाने लगा रहे हैं, बंदे का दिल नहीं है। झूठी मूठी बोल ही दो, मैंने कौन सा लेना है, बट इसकी शक्ल देख लेते हैं, वो उनको लगेगा कि सच्ची ले लेंगे जो सामने बैठा है। यही होगा कारण भाई, मेरे को लगता है अगर मैं अकेला आता तो मेरे को दे देते वो। गाइस घर पहुंच चुके हैं भाई, इसके नाम ने घुंगरू डाले, देखो इसको पता नहीं चल रहा क्या करे। शीरो कम आजा, वो देखो क्या कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इसको पता नहीं चल रहा तेरे गले में है भाई। आजा आजा आजा, कम तोड़ेगा इसको ये, कम शीरो। सो गाइस मिशन सक्सेसफुल, जिस काम के लिए मेरे घर में आया था, चाय का इतना दीवाना ना, चाय के बदले किसी के घर में एक दिन दो दिन पांच दिन काम भी कर सकता है, एक कप चाय दे दो बस इसको एक दिन की भाई, सही बात है ना। अभी जूस पिया था इसने भाई, कैसा डंगर इंसान है भाई, ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ, अभी जूस पी के आया उसके, शेक पी गया उसके साथ, उसके बाद चाय पी रहा है, कोई हल नहीं है भाई। अभी चुप बैठा है, देख लो इसके कैमरे के सामने चुप रहता है, वैसे इतना ज्यादा वो करता नहीं, सारा सामान उठा सकता है ये मेरा, यहाँ से इतना बड़ा चोर है, इसलिए मैं अंदर आया हूँ। मेरे को बोल रहा था जा बाहर घूमा, जाके शुरू को घुमा ला, क्योंकि इसने चोरी करनी होगी यहाँ पे, जब तक ये मेरे घर पे है मैं नहीं हिलूंगा इसके पास से। चलो भाई बिक्की निकल गया मेरे घर से, अभी निकलते हैं दिन को। अभी भाई थोड़े टाइम बाद जब जैसे ही बिक्की निकला भाई, पीसीएम भी ली, अभी भी ऐसे ही लग रहा हूँ जैसे बीमार हो, बीमार इन द सेंस कि आंखें नहीं खुल रही, बाकी बॉडी तो फुल एक्टिव है, बट आंखों को पता नहीं आया, आँख से ऐसे बंद हो जा रही है, बार बार खुल ही रही है अच्छे से। गाइस अभी भाई आज अपना वर्कआउट तो है, मे बी होगा या नहीं होगा वो देखते हैं, घर से जैसे निकलता हूँ तो फुल एनर्जी होती है भाई, हाँ कर लेंगे, पीछे से धूप आ रही होगी, हर रोज़ देखता हूँ भाई, रुको अभी सही है, हर रोज़ जब एडिट करता हूँ तब दिखती है भाई धूप आती, बड़ी गंदी लगती है, लाइक चेहरा दिखता ही नहीं उसमें। तो घर से जैसे ही निकला तो लग रहा था भाई पूरा जैसे जोश में, अभी आके फिर ठस हो गया यहाँ पे, बाकी देखते हैं धीरे धीरे वार्म अप करके बॉडी को, हो ही जाएगी, जिम करके ही जाऊँगा, वैसे तो जाने नहीं लगा। Let's go guys, gym complete.
अपना पुल वर्कआउट बैक एंड बाइसेप्स बैक की एक्सरसाइज भाई मैंने कम से कम 7 लगाई हुई आज, बहुत एक्सरसाइज लगाई बैक की। एंड उसके बाद पुशअप्स भी लगाए मैंने 80-90, वो तो मैं काउंट तब नहीं ना करता क्योंकि 80-90 100 पुशअप्स मैं एक दो सेट में लगा देता हूँ भाई, इसीलिए काउंट नहीं करता, लगा हार रही देता हूँ। तो चलो फिलहाल घर को निकलते हैं भाई सीधा, घर से पहले कोई ब्रेक नहीं लगी अब बुलेट की, घर जाके रुकते हैं अभी सीधा। सो गाइस घर पहुंच चुके हैं, ये मेरे को टिकने नहीं देता भाई जैसे ही घर आता हूँ। हाँ जी बोलो, अभी आपको क्या करना है मेरे बच्चे? हाँ जी आपके लिए खाना लाया हूँ, खाना डालता हूँ फिर घूमने करने चले, रुको सिर्फ 2 मिनट रुको शेरो। सो गाइस भाई इसको काफ़ी टाइम से घुमा रहा हूँ शेरो को, अभी मेरी आधी एनर्जी तो यही वेस्ट करवा देता है क्योंकि ये पता नहीं नीचे मुंह मारता रहता है, इसको उठाना पड़ता भाई, बाइसेप्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही लगवा देता है। और सामने गुरुद्वारा साहब देखो कैसे जम करे हमारे गांव में भाई, ये लो हाँ ये ऐसे ऐसे करता है देखो ये ऐसे। सो लोग इस घर पहुंच चुके हैं और अभी खाते हैं भाई खाना, आज नहीं भाई पूछूंगा मेरे वालों से क्या बनाए क्योंकि आज भूख बहुत लगी है भाई, वो बोलते हैं ना अगर भूख लगी हो तो बंदा भाई सूखी रोटी भी खा लेता, हमें तो फिर भी सब्जी मिल गई उसका शुक्र मनाना चाहिए। सो चलो खाना खाते हैं और आज का ब्लॉग करते हैं खत्म, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और फोन सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, खुश रहो, वाद रहो, जाग रहो, बाय।